इस समय हम खड़े हैं भारत के सबसे निचले स्थान पर, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। मॉर्निंग, माय नेम इज एलियास, एलियास थॉमस, आई एम फ्रॉम कायनगिरी। आई हैव सम एग्रीकल्चर लैंड हियर नियर बाय द डी ब्लॉक एंड यू नो दिस इज कुटनाड। दिस पहाड़ी फील्ड्स आर बिलो द वाटर लेवल, आई मीन द सी लेवल। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इस जगह को, इस राइस फील्ड को, ये जो राइस फील्ड है उसको वाटर लेवल से यानी कि सी लेवल से नीचे जो है वो खेती की जाती है, और यहाँ पर जो पानी आ जाता है कभी उसे कैसे निकाला जाता है या शुरुआत कैसे की गई होगी जब ये जगह भी समुद्र स्तर से नीचे रहा होगा, यानी कि यहाँ पर भी पानी रहा होगा। इस समय हम खड़े हैं भारत के सबसे निचले स्थान पर, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये जगह है केरल में एलाफूजा जिले में कुटनाड नाम की जगह। अगर आपने ज्योग्राफी में थोड़ा सा मन लगाया होगा तो आपने इस जगह के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ज़्यादातर जगहों पर या ज़्यादातर लोग जो है द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं लोवेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मेरे बगल में जो आप ये पानी देख रहे हैं, ये सी लेवल का पानी है, यानी कि समुद्र स्तर का पानी है, और समुद्र यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये उसी का लेवल है, सी लेवल कहते हैं इसको। दुनिया में जितनी भी जगहों की ऊंचाई नापी जाती है वो इसी लेवल से मेजर की जाती है। लेकिन आप मेरे ठीक बगल में देखिए, ये जगह इस पानी से भी नीचे है, यानी कि बिलो द सी लेवल। कुटनाड के बारे में कहा जाता है कि ये समुद्र स्थल से 2.2 मीटर नीचे तक है, यानी कि सी लेवल से 2.2 मीटर नीचे जाकर भी यहाँ पर खेती होती है। फिलहाल ये जो आप फील्ड देख रहे हैं, यहाँ पर क्यारियाँ आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर धान की खेती होती है। अभी धान की कटाई हो चुकी है और नए सीजन में इसकी फिर से बुआई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पंछी हैं जो माइग्रेट करके यहाँ पर आए हुए हैं और अपने भोजन की तलाश में हैं। यहाँ पर इस एरिया को, कुटनाड को, राइस बाउल ऑफ केरला भी कहा जाता है। पूरे केरल का आधे से अधिक चावल का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। ये 3 जिलों में, केरल के 3 जिलों में फैला हुआ है, और यहाँ पर सबसे अधिक चावल की खेती होती है। यहाँ के हाउस बोट, यहाँ के बैक वाटर्स फेमस हैं। आप ये देख सकते हैं ये बैक वाटर्स है, और यहाँ पर तमाम जो है नावें चलती हैं, और आप उधर अगर कैमरे में अगर कैप्चर हो रहा तो वहाँ देख रहे हैं, वहाँ एक छोटा सा नाव है उसे लेकर कोई जा रहा है। तो यहाँ आसपास कोई आबादी मुझे नहीं दिख रही है, छोटे से 1-2 घर हैं, कोई बड़ी आबादी नहीं है। लोग यहाँ पर केवल खेती करने आते हैं, और इसे सरकार द्वारा मेंटेन किया जाता है। आप समझिए कि ये बॉर्डर जैसा कह सकते हैं या बांध कह सकते हैं, हमारे यहाँ बांध कहा जाता है इसको, वो बांध बनाया गया है जिससे वाटर लेवल जो है वो इधर इधर खेत में ना जाने पाए। उसके लिए इसकी मॉनिटरिंग भी होती है, बाकायदा इसकी निगरानी की जाती है कि कहीं से अगर ये टूट गया तो पानी इधर जा सकता है। बताया जाता है कि 2018 में जब बाढ़ आई थी तब इस एरिया में, केरल में 2018 में भीषण बाढ़ आई थी, और तब इस कुटनाड के ज़्यादातर हिस्से पानी में डूब गए थे क्योंकि वाटर नदियों में बाढ़ आई थी, और ये चूँकि नदियों का वो कनाल है जो जाकर समुद्र में मिलता है, तो नदियों में बाढ़ आई, और नदियों में बाढ़ आई तो कई जगहों पर इस तरह के जो बांध थे जो कुटनाड के राइस फील्ड को इस वाटर बॉडी से अलग करते हैं, यानी कि बैक वाटर से इस राइस फील्ड को अलग करते हैं, वो कई जगह से टूट गए और बहुत सारे फील्ड में पानी भर गया। तो कई सारे घर जो इधर घर भी बसे हुए हैं कुछ जगहों पर वो डूब गए, तो उसके उससे बहुत भारी नुकसान हुआ था। बताया जाता है कि पिछले 50 सालों में 2018 की बाढ़ ने कुटनाड में सबसे अधिक नुकसान किया था। इसके अलावा छोटी छोटी मोटी घटनाएं और भी होती रहती हैं कि कभी कोई जगह टूट जाती है तो उस जगह का वाटर बॉडी जो है खेत में चला जाता है और वो जगह का पूरा नुकसान हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस जगह पर आप आ कैसे सकते हैं। अगर आपको यहाँ आना है तो एलाफूजा या एलएपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको आना होगा, और वहाँ से बोट लेनी होगी। एक गवर्नमेंट भी बोट जेटी जो है वो रन कराती है, साथ ही आप प्राइवेट जेटी भी हायर कर सकते हैं, हाउस बोट भी ले सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। सबसे अच्छा वे है कि आप जो है गवर्नमेंट अथॉराइज जो जेटी है वो चलती है, वो 30 से 35 रुपये आपका किराया लेंगी और वो यहाँ लेकर आएंगी। आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि कैसे समुद्र स्थल से नीचे जाकर भी खेती होती है, और बढ़िया खेती होती है। समझिए कि इतनी अच्छी यहाँ पर खेती होती है कि पूरे
केरल का आधे से अधिक चावल यहीं से जाता है, और जानते हैं कि केरल में सबसे अधिक चावल खाया जाता है, तो आप सोचिए कितना उत्पादन यहाँ पर होता होगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर खारे पानी में भी जो है धान उगाकर किसानों ने यह साबित किया है कि वो इस कारनामे को भी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है कि इस रोल मॉडल को पूरे विश्व में अपनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे विश्व में मीठे पानी की बेहद कमी है, खारा पानी तो बहुत सारा समंदर में है, लेकिन ये लोग इन लोगों ने खारे पानी में भी धान की फसल उगा कर ये साबित किया है कि ये जो है खारे पानी में भी धान की खेती हो सकती है। तो ये वो जगह आप देख रहे हैं, कुटनाड इस जगह का नाम है, और भारत के सबसे लोवेस्ट पॉइंट के रूप में ये जाना जाता है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया तो आपको ये जगह दिखाई देगी। आपको हम बताएं कि इस जगह पर जहाँ पर हम अगर पूरा रोटेट करके आपको दिखाएं तो आप देखिए चारों तरफ खूबसूरत से ये नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, ये वाटर बॉडी है, इसके उस तरफ भी खेती होती है, और उधर एक दो घर हैं जो इस बंधे पर, जो जिस बंधे पर हम खड़े हैं, बंधा कह सकते हैं छोटा सा इसको, वहाँ पर हैं, और इधर देखिए राइस फील्ड हैं। हालांकि अब अगर हम एक से दो महीने पहले आए होते तो यहाँ पर लहलहाते हुए धान के खेत दिखाई देते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फसल कट चुकी है और यहाँ पर फिर अगले सीजन में इसकी बुआई होगी। कुटनाड में कुछ जगहों पर साल में दो बार फसल की बुआई होती है और कुछ जगहों पर साल में एक बार फसल की बुआई होती है। ये बताया जाता है कि मैंने जब अपने बोट के पायलट से कहा, यानी कैप्टन से कहा कि मुझे राइस फील्ड देखना है, तो वो सबसे टिपिकल यानी कि जो सबसे बड़ा राइस फील्ड है वहाँ पर लाकर उन्होंने हमें ड्रॉप किया कि आप यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ा राइस फील्ड है। यहाँ पर आसपास घर नहीं है, कहीं कहीं इक्का दुक्का फार्म जैसे हैं और वहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन पूरी आबादी यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहती है और वो सिर्फ खेती करने यहाँ पर आती है। अब देखिए दूर दूर तक ये फैला हुआ है। तो ये कुटनाड एरिया है अलफूजा डिस्ट्रिक्ट में। आप अगर कभी केरल घूमने आए तो आपको यहाँ पर भी आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे प्रकृति के साथ मिलकर लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक नया रास्ता बनाया, जो ये पूरा जगह कभी इस वाटर बॉडी से डूबा रहता होगा, वहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे बांध बनाए गए और इसको वाटर बॉडी से सेपरेट किया गया और दोनों का इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ पर प्राइवेट जेटी, गवर्नमेंट जेटी चलते हैं, साथ ही हाउस बोट जो है टूरिज्म के काम आते हैं, प्राइवेट छोटी छोटी जेटियाँ भी टूरिस्टों के लिए इस्तेमाल होती हैं, साथ ही जो घर हैं उनके भी पास भी छोटी छोटी नावें हैं, तो वो इससे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और इसे ट्रांसपोर्टेशन बेहद आसान और सस्ता भी हो जाता है। साथ ही ये हिस्सा है यहाँ पर जो राइस की खेती होती है, वहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी नहीं होगी क्योंकि बगल में ही जो है इस लेवल खेती के लेवल से ऊपर जो है वो वाटर बॉडी है, तो जहाँ भी पानी की ज़रूरत होगी पंप लगाकर तुरंत यहाँ पर इस खेती में पानी की सिंचाई हो सकती है। तो और आप जानते हैं कि धान की खेती के लिए पानी की सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है, तो अगर बारिश ना भी हो तो भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी है और इसका उपयोग करते हैं ये लोग, केरल के लोग। मॉर्निंग, माय नेम इज एलियास थॉमस, आई एम फ्रॉम कायनागिरी, आई हैव सम एग्रीकल्चरल लैंड हियर नियर बाय द डी ब्लॉक, एंड यू नो दिस इज कुटनाड, दिस पाड़ी फील्ड्स आर बिलो द वाटर लेवल, आई मीन द सी लेवल, सो वंस इन अ ईयर वी पुल आउट द वाटर, dewatering and plowing, preparation for the new harvesting. So works are going on, some places are there is much preparation, so that the tractor and the driller will come and they do it. Most difficulties are the farmers are from away from this area, before thousands of people are coming here for working, karshaka tholali, there are so many working people are here in the season, and also in the harvesting time now it is mechanized by the missionaries are coming, so before it's very lovely place because in the evening too much lights and too many people and coffee shops, other money is playing here, working people are rounding and going, now very silent, everything is
What is the total flowing area of this? This one is six. We are saying para. I mean, in acre, it is 600 acre, 600 acre, other 600 acre. So, 6000 kayal, this is known as 6000 kayal. 600 acre means 6000 para nilam. The total area of Kuttanad? Total area, I know the actual measurement, there are approximately. This is one of famous, you know, land, 6000. 6000 means 6000 paras, you know, that means 24,000 para krishi. That means 2,400 acres. Like this, there is many other kyles are like 20, other name it not item, you know, because you know the our Malayalam language is mentioned by the Malayalam language. Oh, so this is a large area, very nice. Thank you. All right, thank you. आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इस जगह को, इस राइस फील्ड को, ये जो राइस फील्ड है उसको वाटर लेवल से यानी कि सी लेवल से नीचे जो है वो खेती की जाती है, और यहाँ पर जो पानी आ जाता है कभी उसे कैसे निकाला जाता है, या शुरुआत कैसे की गई होगी जब ये जगह भी समुद्र स्थल से नीचे रहा होगा, यानी कि यहाँ पर भी पानी रहा होगा तो कैसे उसको यहाँ पर खेती लायक बनाया गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर पंप्स लगे हुए हैं, जैसे ये एक पंप है आप देख रहे हैं, यहाँ से ये पानी आ रहा है, यहाँ से अंदर से पानी आ रहा है, और आप अंदर दिखाने की कोशिश करें हम तो ये पंपिंग है, पंपिंग स्टेशन। ये देखिए ये पंप लगा हुआ है यहाँ पर, ये बिजली से चल रहा है, ये पंप लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से पानी यहाँ आ रहा है, और यहाँ से फिर पानी को इस वाटर बॉडी में छोड़ा जा रहा है, और इसके पीछे जो ये खेत हैं इसको खेती के लायक बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसे वापस इस बैक वाटर्स में छोड़ा जा रहा है ताकि इस जगह पर खेती की जा सके। तो इस तरह के गवर्नमेंट इनिशिएटिव द्वारा ये पूरा फील्ड तैयार किया जाता है, और कभी अगर गलती से यहाँ पर कुछ ये बांध टूट जाता है तो फिर उसे रिपेयर करके और इस तरह के पंप द्वारा उसे वापस वाटर बॉडी में छोड़ा जाता है। यहाँ पर बाकी जगहों की अपेक्षा यहाँ पर और ज़्यादा गहराई है ताकि बाकी जगहों से पानी आकर यहाँ पर इकट्ठा हो और यहाँ से फिर पानी लाकर इसमें छोड़ा जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म इनका काम करता है, और किस तरह से ये लोग वाटर लेवल से भी, यानी कि सी लेवल के, सी के वाटर लेवल से भी नीचे जाकर ये लोग खेती करते हैं।